अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बड़का बाबू को कहा हो गया है, वो अवधेश बाबू के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। राजीव बाबू मुख्यमंत्री साहब के यहाँ नहीं गए होते तो सारा बात ना सबसे पहले हम उनको बताते। कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर साहब आते ही होंगे। भाभी एक बात कहनी थी आपसे। संजीव हमें ये बात भाभी से कहनी होगी। हम तो अपना हाक भी झपकाते हैं ना तो रह रह के आरती जी का वो दर्द भरा चेहरा ना हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है। कितना दर्द में होगी ना इस समय, क्या हाल होगा उनको। संजीव बाबू वो भी तो अपने घर की है कि नहीं, अपने घर की एक सदस्य है। वो बात भी जाने दीजिए कि इंसान के साथ उसके मर्जी के खिलाफ उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता और ऐसे समय में हम लोग का फर्ज बनता है कि हम उनके साथ रहे, उनके साथ खड़े रहे। अब मिलेगा अवधेश बाबू को उनके कुकर्मों का सजा। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब कि आप हमारा कहने पे आप इतना जल्दी आ गए। इंस्पेक्टर साहब हम तो कहते हैं कि आप सीधे चलिए और अवधेश बाबू को गिरफ्तार करके ले जाइए। I'm sorry, लेकिन हम अवधेश को गिरफ्तार नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते? हाँ उनको गिरफ्तार काहे नहीं कर सकते? भाभी यही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस अवधेश को अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि विवाह में होने वाली जबरदस्ती रेप या दुष्कर्म से जुड़ा अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है माने एक पति अपनी पत्नी के साथ उसके मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कर सकता है और उसके बाद फिर निर्दोष होकर पूरे समाज में छुट्टा घूम सकता है। वारे कानून, कैसा कानून? इंस्पेक्टर साहब ये अन्याय नहीं है, वैसे भी समाज औरत के प्रति पहले से पक्षपाती है। कानून भी एक औरत के साथ नहीं है, एक पत्नी के साथ नहीं है, ऐसे कैसे? माने अवधेश बाबू के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, उनको सजा नहीं मिलेगा? सजा जरूर मिलेगी भाभी, जबरदस्ती के लिए ही नहीं सही लेकिन हाथापाई के लिए जरूर। आरती के साथ हाथापाई, घरेलू हिंसा, कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी, है ना इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब अवधेश ने अपनी पत्नी आरती को बुरी तरह से पीटा है, उसके साथ घरेलू हिंसा की है उसने। अरे भाई ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। ये सब बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम बेकसूर हैं, पता नहीं ये लोग क्यों हमारे पीछे पड़े। इंस्पेक्टर साहब अवधेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, कुछ नहीं किया है हमारे बेटे ने। ये लड़की को ये नफरत करती है हमारे बेटे से, जब देखो तब गलत सलत इल्जाम लगाती रहती है हमारे बेटे पर। अगर हम गलत हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं ठीक है, जो कुछ भी हुआ है इंस्पेक्टर साहब आरती जी के मुंह से ही सुन लीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब हम आरती जी को लेके आते हैं। देखना अवधेश अब आरती कैसे कलाई खोलती है तुम्हारे, बिना बेल के जेल के अंदर सड़ते रहोगे। घरेलू हिंसा का मामला है, 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। इंस्पेक्टर साहब ये आरती जी हैं, बताइए आप इंस्पेक्टर साहब को कि कैसे अवधेश बाबू ने आपको मारा पीटा, रात को कैसे उन्होंने आपका शोषण किया, बताइए बताइए आरती जी इंस्पेक्टर साहब को। शोषण? यह हो क्या रहा है कु? और ये पुलिस वाले क्यों आए घर में? राजीव बाबू अवधेश बाबू ने आरती जी के साथ जबरदस्ती किया है, आरती जी के मना करने के बाद भी उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया है। What? हाँ ये देखिए, देखिए इनका चोट, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर ये देखिए, सिर्फ इन्होंने जबरदस्ती नहीं किया है, जबरदस्ती के अलावा मारा और पीटा भी है। देखिए बकवास कर रही है ये,
अरे आरती पत्नी है हमारी, बंद कमरे के पीछे हमारे बीच में जो कुछ भी होता है वो हमारा जाति मामला है। मुंह बंद रखो अपना वरना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। अब सिर्फ आरती बोलेगी। बोलो आरती क्या हुआ, सब कुछ सच सच बताओ इंस्पेक्टर साहब। और हाँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम है यहाँ। बोलो। हाँ हाँ आरती जी बोलिए, डरिए मत, सब हैं आपके साथ। वो अवधेश जी ने हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। बाथरूम में फिसल गए थे, उसी से ये चोट लगी है। भारती जी ये क्या कर रही हैं आप? देखिए आप डरिए मत, डरने का कोई जरूरत नहीं, हम सब लोग हैं आपके साथ, डरिए मत, करिए। हम सच 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 कह रहे हैं, अवधेश जी ने हमको नहीं मारा, उन्होंने तो कभी भी हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, आज रात को भी उन्होंने हमें नहीं मारा। भाई भूल गई हो तो याद दिला दूं, वो गहनों की चोरी तुमने ही की थी ना। अवधेश के बारे में एक शब्द भी पुलिस के सामने बोला ना तो सारे गहने लाकर पुलिस के सामने पलट दूंगा। और सुना है कि तुम्हारे कारनामों की फेरिस्त पुलिस के पास पहले से है, चोरी नहीं डकैती का केस चलेगा तुम्हारे खिलाफ। और हम सब भी ये बयान दे देंगे कि तुमने धोखे से अवधेश को प्यार में फंसाया और उसके बाद ये मारपीट और दुष्कर्म का आरोप लगा रही हो उसके ऊपर। नहीं, और अवधेश ने तुम्हें रोकने की कोशिश की और तुमने उसके साथ मारपीट की और निशान उसी का नतीजा है। अब अवधेश के खिलाफ अगर पुलिस को बयान दिया तो जेल जाओगी, और अगर नहीं तो वो गहने भी तुम्हें मिलेंगे और यहां से तुम सुरक्षित भी निकल जाओगी। सोच लो। आरती जी बताइए, कहां डर रहे हैं आप? हम लोग सब है आपके साथ, बताइए। घबराने की जरूरत नहीं है, बता दो, बोलो क्या है सच। आरती कानून भी तुम्हारा साथ देगा, आरती सच बोलो। ये सच है, अवधेश जी ने हमको कभी नहीं मारा। हो गई तसल्ली, मिल गया सच। चलिए एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अगर पीड़ित की गवाही ना मिले तो किसी ऐसे चश्मदीद को आगे आना होगा जिसने ये जुर्म होते हुए अपनी आंखों से देखा हो, जिसने अवधेश को आरती को मारते हुए देखा हो। आई विटनेस के होने से तुरंत केस बन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हम जब कमरा में घुसे तो आरती जी बहुत रो रही थी और अवधेश बाबू ऐसे में धूत वही खड़े थे और आरती जी का कपड़ा फटा हुआ था। फिर हमको देखकर अवधेश बाबू वहां से निकल गए कमरा से। आ तो आरती पत्नी है हमारी, झगड़ा हुआ था हमारा इसलिए रो रही थी। अब क्या पति पत्नी के झगड़े में पति को जेल हो जाएगी क्यों इंस्पेक्टर साहब? सर, पुहू जी ने अपनी आंखों से अवधेश को आरती को मारते हुए नहीं देखा है तो उनकी गवाही से तो केस नहीं बन सकता। देखिए दो से नैना मिलाई के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर
और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।